ऑल ओके? ओके जी। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक टाइप वन एंड टाइप टू एरर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने हाइपोथेसिस की क्लास पहले देखी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें आप लोगों ने रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सब सीखा। अब ये टाइप वन और टाइप टू एरर किस चिड़िया का नाम है? ओके, सो मेरे साथ ज़रा ध्यान से देखेंगे टाइप वन टाइप टू एरर के कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस, और बिलीव मी गाइस, इस वीडियो के बाद आपको टाइप वन और टाइप टू एरर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर, ठीक है बच्चों, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। नाउ इट मींस रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू एंड इट मींस एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। अच्छे से समझाऊंगा किस चिड़िया का नाम है। फाइन, प्रॉबिलिटी ऑफ दैट होल पार्ट इज कॉल्ड अल्फा एंड प्रॉबिलिटी दैट अबव होल पार्ट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, नाउ सबसे पहले थोड़ा सा समय लगाते हैं टाइप वन एरर पे, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं सबसे पहले टाइप वन एरर पे। ओके बच्चों, देखिएगा जरा सारे ध्यान से। टाइप वन एरर और टाइप टू एरर वैसे तो एक तरीके की गलतियां होती हैं। जैसे कि मैंने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया बट पता लगा वो तो सही था। फाइन, मैंने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया बट पता लगा वो तो गलत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर दिया जाए, टाइप वन एरर इज नथिंग बट रिजेक्टिंग अ गुड लॉट। एक लॉट उठाया आपने, वो सही था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। फाइन, तो रिजेक्टिंग अ गुड लॉट, फाइन, दैट मींस एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, बैड लॉट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट इट नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। तो रिजेक्टिंग अ गुड लॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप वन एरर एंड एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप टू एरर। एनी डाउट? बहुत बढ़िया जी। इनकी प्रॉबिलिटीज की नोटेशन होती है अल्फा और बीटा। जैसे कि मैंने पहले भी दोहराया, टाइप वन एंड टाइप टू एरर एक तरीके की गलती होती है। किस तरीके की गलतियां होती हैं, फोकस करते हैं बच्चों जरा अच्छे से। ओके, देखिए जी, मैं इसको भी रब कर रहा हूं। फाइन, ध्यान से देखना बच्चों 10 मिनट, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको ये। सो सबसे पहले टाइप वन एरर, टाइप वन एरर दैट मींस रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। बच्चों एग्जाम्पल जरा देखिएगा ध्यान से सारे बच्चे। सी, मान लो हाइपोथेसिस पढ़ा है सब लोगों ने, एच नॉट में म्यू की वैल्यू 60 है, ऑल्टरनेटिव में म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 60 है। फाइन, मैंने क्या किया, मैंने एक डायग्राम बनाया एक्स बार का, बीच में मीन लाई कर रहे हैं, ये एरिया हो गया रिजेक्शन रीजन, और ये वो एक्स बार वन और एक्स बार टू हो गए। कैसे रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट करते हैं? वी कलेक्ट अ सैंपल, थ्रू दैट सैंपल वी विल फाइंड एवरेज, दैट कॉल सैंपल मीन। इफ सैंपल मीन लाइंग हेयर देन वी विल से एक्सेप्ट एच नॉट और डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, और अगर सैंपल मीन इधर लाई करते हैं तो व्हाट विल से
रिजेक्टेशन ऑर्डर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। हाइपोथेसिस का फंडा क्या था? पहली से पॉपुलेशन पैरामीटर को मान लो कि वो क्या होगा, और जब पॉपुलेशन पैरामीटर माना गया तो सैंपल के बेसिस पे उसको टेस्ट किया गया। सैंपल के बेसिस पे जब आप लोगों ने जो पॉपुलेशन पैरामीटर माना था, जब उसको टेस्ट किया, तो या तो वो रिजेक्ट होगा या डू नॉट रिजेक्ट होगा। अब वो रिजेक्ट आपने कर दिया, आपने डू नॉट रिजेक्ट कर दिया, जो भी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपने ले लिया, पर रियल सिनेरियो में पता लगा जो आपने करा था वो एक गलती थी। एग्जाम्पल, आपका सैंपल मीन आया समवेयर हेयर, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइन। बाद में पता लगा आपने इसको एक्सेप्ट करने का मतलब आपने मान लिया ओवरऑल मीन 60 आएगा, रियल लाइफ सिनेरियो में ओवरऑल पॉपुलेशन मीन 60 आएगा थ्रू वन सैंपल। एक सैंपल उठाया, उसका सैंपल मीन आया, वो सैंपल मीन इधर इधर कहीं लाई किया, आपने बोला ये ट्रू हो गया, ओ तेरी ट्रू हो गया, बट एक सैंपल के बेसिस। बट बाद में पता लगा म्यू तो 60 था ही नहीं, म्यू तो नॉट इक्वल टू 60 निकला, तो तुम्हारी गलती हुई ना, फाइन। और गलती क्या करोगे? आपने एक सैंपल मीन उठाया, आपका एक सैंपल उठाया, उससे एक सैंपल मीन आया, वो सैंपल मीन मान लो यहां कोने में लाई कर रहा है, आप क्या बोलोगे? रिजेक्ट एच नॉट। आपने इस सैंपल मीन की वैल्यू के बेसिस पे एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, बट बाद में पता लगा म्यू की वैल्यू तो 60 ही आनी थी। तो पता है, देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है, हमने आज सैंपल के बेसिस पे जो जजमेंट दी, वो जजमेंट गलत भी हो सकती है, उस गलती का एरिया, उस गलती का रीजन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एन एरर। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे और यहां पे जो सैंपल मीन लाए करेंगे वो सैंपल मीन क्या बोलेंगे, वो सैंपल मीन इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाए कुछ ऐसे, मेरा सैंपल मीन यहां या यहां आया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने तो सैंपल के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया, बट जो मैंने आज रिजेक्ट किया है अगर वो इन फ्यूचर ट्रू हो गया तो मेरी जो गलती होगी ना, मेरी गलती का एरिया ये है, ये मेरी गलती है। मेरी गलती कब है ये? जब जो मैंने आज कंक्लूजन दिया है वो कंक्लूजन इन फ्यूचर जब रियल सिनेरियो सामने आए, जब एक्चुअली पॉपुलेशन मीन सामने आए, ठीक है, तो जो मैंने कंक्लूजन दिया वो गलत हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ दी सैंपल मीन आई एम गिविंग द कंक्लूजन दैट दिस हैज टू बी रिजेक्ट, बट माइट बी पॉसिबल दिस एरिया में जो मीन लाई कर रहे थे, ठीक है, वो मीन होने के बावजूद भी म्यू 60 आ जाए, फाइन। इसलिए मैं इसको गलती कह रहा हूं। अब वो गलती कहलाएगी या नहीं कहलाएगी वो तो रियल लाइफ सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो एक सैंपल मीन की वैल्यू लिख रहा हूं, एक सैंपल उठाया, उसका सैंपल मीन आया 25 समवेयर लाइक हेयर, मान लो ये 40 है और ये 80 है, ठीक है, समवेयर लाइक हेयर। मेरा सैंपल मीन जो 25 आया वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? रिजेक्ट एच नॉट, बोल दिया भाई रिजेक्ट एच नॉट। बट क्या ये गारंटी है कि अगर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से बहुत दूर है तो पॉपुलेशन मीन 60 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक ही तो सैंपल मीन 25 है, मान लो बाकी ये आ जाए 90, 98, 99, 74, 72, 65, तो हो सकता है ओवरऑल एवरेज इतना बन जाए। इसलिए बच्चों टाइप वन एरर का मतलब होता है रिजेक्ट एच नॉट, आई एम रिजेक्टिंग इट, आई एम रिजेक्टिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ दी सैंपल मीन, बट इफ इन फ्यूचर एक्चुअली में पॉपुलेशन मीन इतना हो गया तो जो मैंने रिजेक्ट किया था वो मेरी गलती थी। देखो कितना अच्छा सिनेरियो, अपनी गलती रियल सिनेरियो में जब पता लगेगी, आज ही बता रहा हूं उसका रीजन कितना होगा, ये उसका रीजन होगा, फाइन। सो दिस एरिया इज कॉल्ड टाइप वन एरर, फाइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
टाइप वन एरर इज व्हाट बच्चों? रिजेक्टिंग एच नॉट. रिजेक्ट कहां हो रहा है? या तो सैंपल मीन एक्स बार वन से छोटा हो प्लस, या एक्स बार वन से एक्स बार टू से बड़ा हो. और बच्चों याद करो, ये जो एरिया है ना, ये अल्फा बाय टू और अल्फा बाय टू है, यानी अल्फा. तो टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी को अल्फा कहा जाता है. रिजेक्शन के एरिया को अल्फा कहा जाता है. क्रिटिकल रीजन को अल्फा कहा जाता है. फाइन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा कहा जाता है. ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर होते हैं. वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों, ओके, फाइन. तो इसके बेसिस पे एच नॉट को रिजेक्ट किया जाएगा. बट हो सकता है बाद में जो रिजेक्ट किया था वो एक्चुअल में ट्रू हो गया, तो वो मेरी गलती है. ये सैंपल मीन इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये सैंपल मीन जितना एरिया कवर कर रहे हैं ये मेरी गलती हो सकती है. गलती का एरिया बताना है. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ऐसे राइट टेल और लेफ्ट टेल टेस्ट अगर ये होता, मान लो ये म्यू ग्रेटर देन 60 होता, तो रिजेक्शन सिर्फ कहाँ होता? समवेयर हेयर होता. मान लो ये 60 और ये 80, तो अल्फा क्या होता? प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 80. सो टाइप वन एरर सिर्फ इतना होता. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टाइप वन एरर. दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर. ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक है, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है. चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. सो आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1. Assuming the average of DU students' marks is greater than 70, a sample of 50 students of ARSD college is selected and reject the null hypothesis when sample mean is greater than 75. Overall standard deviation of DU student is 25. Find the probability of type 1 error. ठीक है, सो बच्चों हमें ये बोला हुआ है कि H नॉट में म्यू को माना हुआ है 70, ओके, और H नॉट को रिजेक्ट कब किया जा रहा है? जब सैंपल मीन ग्रेटर देन 75 होगा. तो ये कैसा टेल टेस्ट है? राइट टेल टेस्ट. भाई अगर सिर्फ एक्स बार से आगे की वैल्यू में रिजेक्शन हो रहा है तो राइट टेल, पीछे में हो रहा है तो लेफ्ट टेल, दोनों में हो रहा है तो टू टेल. सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया म्यू ग्रेटर देन 70, और मुझे ये बताया गया कि एच नॉट को रिजेक्ट तब किया जाएगा जब एक्स बार की वैल्यू 75 से बड़ी होगी. बिल्कुल जी. एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25 एंड सैंपल साइज इज 50. ठीक है बच्चों, अब सुनो, क्या ये एरिया टाइप वन एरर है? सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज अल्फा इज प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 75 रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू गिवन दैट म्यू इज 70. जो सैंपल मीन 75 से बड़े होंगे वो कहेंगे कि म्यू 70 नहीं होगा, बट एक्चुअली म्यू 70 हो गया तो वो टाइप वन एरर है. जो सैंपल मीन 75 से बड़े होंगे वो क्या कहेंगे? म्यू 70 नहीं होगा, बट अगर म्यू 70 हो गया तो सो ये होल एक्सप्रेशन टाइप वन एरर. ये गिवन दैट डजंट मीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी म्यू को 70 लेके निकालनी है. ये एरिया कहता है म्यू 70 नहीं होगा, बट म्यू 70 हो गया तो फाइन बच्चों. सो ये कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे? आप सबको पता है सीएलटी सिग्मा बाय रूट एन. दिस इज जेड बच्चों. सिग्मा कितना है मेरे पास?
सिग्मा है 25, एन है 50। ठीक है बच्चों, सो फाइनली 50 ऊपर आ जाएगा और ये कट जाएगा 5 5 √50/5। लेट्स कैलकुलेट इट। दिस इज प्रोबेबिलिटी जेड 1.41। ओके, टेबल से चेक करेंगे बच्चों इसे। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में तो लेस देन का एरिया होगा, तो लेस देन 1.41 होगा। पॉइंट 92073, सो 1 - 0.92073, 1 में से माइनस कर लेंगे, 0.07927, दिस इज अल्फा। वेरी सिंपल, दिस इज द वे यू वी शुड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1। और क्वेश्चन करेंगे अभी, देखिए और मजा आएगा आप लोगों को। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अज्यूमिंग दैट अ न्यू टूथपेस्ट कंपनी मेकिंग अ क्लेम दैट एडिंग वाटर टू द टूथपेस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैविटीज, सो इन ऑर्डर टू चेक वेदर द क्लेम बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट बाय यूजिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन ऑफ द स्टैटिस्टिशियन टुक द सैंपल ऑफ 4 पर्सन एंड पॉपुलेशन मीन वैल्यूज आर μ = μ0, जो कि अज्यूम किया गया, हुज ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन X̄ इज ग्रेटर देन μ0 + 2। मोटी मोटी बात यह, रिजेक्शन की प्रॉबिलिटी निकालनी है, इट मीन्स हमें टाइप 1 एरर निकालना है, प्रॉबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर निकालना है। देखो बच्चों क्या बोला मैं, प्लीज देखिएगा, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, सेकेंड में H0 में दे रखा है μ = μ0, ऑल्टरनेटिव में क्या लें, वेरी सिंपल, उन्होंने रिजेक्शन की प्रॉबिलिटी सिर्फ आगे की मांगी है जब ग्रेटर देन होगा, ये तो μ0 है, और X̄ क्या लिया है, μ0 + 2। जब X̄ μ0 + 2 से बड़ा होगा, फाइन, तभी रिजेक्शन होगा। तो ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, μ is greater than μ0, ठीक है, μ is greater than μ0। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज प्रोबेबिलिटी व्हेन सैंपल मीन इज ग्रेटर देन μ0 + 2, गिवन दैट जो सैंपल मीन यहां पे लाई करेंगे वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट एक्चुअली में अगर ये ट्रू हो गया तो ये बच्चों, ठीक, सो नाउ फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी X̄ - μ σ/√n, μ0 + 2 - μ σ/√n। बच्चों ये z हो जाएगा, बच्चों म्यू की जगह म्यू नॉट डालेंगे, बच्चों सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2, और n दे रखा है गाइज आई थिंक 4, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, z > 2। एक बारी चेक कर लेंगे प्लीज, कितना आ रहा है ये 2 पे 0.97725, सो 1 - 0.97725, माइनस कर लेते हैं बच्चों 1 में से, दैट इज 0.02275। ठीक है बच्चों, आई होप सबको क्लियर हो गया, अच्छे से सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, एक भी आप लोगों पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ी बिजी पर्सनालिटी हैं, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है करने का, सब मैं ही करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए पहले इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थर्ड कह रहे हैं,
Assuming that an average hours that a lady used to spend on watching television in a day is 6 hours, a sample of 35 family is selected and reject the null hypothesis when sample mean is greater than 10. Standard deviation of the respective family is 24. Find out the probability of type 1 error. बच्चों बिल्कुल first question की तरह है. Still कर लेते हैं. हम लोगों को H naught में mu की value लेनी है 6. Alternative में mu लेना है greater than 6. Because वो H naught को reject तब कर रहा है जब sample mean 10 से बड़ा होगा. फाइन, सिग्मा दे रखा है 24 और एन कितना दे रखा है 35. ठीक है बच्चों, सो नाउ वेरी सिंपल, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर? प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 10 गिवन दैट म्यू इज 6. ठीक है बच्चों, सो 6 माइनस करेंगे सिग्मा बाय रूट एन से, डिवाइड करेंगे 6 माइनस करेंगे सिग्मा बाय रूट एन से डिवाइड करेंगे, ये जेड होगा, ये कितना हो जाएगा देख लें, रूट 35 डिवाइड बाय 4 6 0.98 आ रहा है बच्चों ये, बिकॉज ये 4 आएगा ना 6 बच जाएगा, 0.98 6. टेबल से देख लेते हैं बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं 0.83646, वन में से माइनस करेंगे पॉइंट 16154. ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर ओके जी. आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 4 एग्जैक्टली सेम एज थर्ड, नॉट अ बिग डील, यू कैन डू दैट. ठीक है, कर लेते हैं. अच्छा, अभी बात की थी ना बिजी पर्सनालिटी की, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने झूठ बोला, आपने कहा था सारे कराओगे, अब सारा बर्डन हम पे डाल रहे हो. करा देता हूँ भाई, चौथा भी करा देता हूँ. एलईडी प्रोड्यूसिंग कंपनी रिवील दैट अ फैक्ट दैट देयर बल्ब विल गोइंग टू बी लास्ट मोर देन 50,000 आवर ऑन एवरेज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. अ सैम्पल ऑफ 20 फैमिली वॉज टेकन एंड दी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस व्हेन सैम्पल मीन इज ग्रेटर देन 56,000. Overall standard deviation for the sampling result is found to be 6,000. Find the probability of type 1 error. इसमें भी बच्चों वही है, H naught में म्यू क्या लेंगे 50,000, alternative में म्यू क्या लेंगे greater than 50,000. ठीक है, एन कितना है 20, सिग्मा है 6,000, कब रिजेक्ट कर रहे हैं जब सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 56,000 गिवन दैट म्यू इज 50,000. आप थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे जेड बना लेते हैं, इसमें से 50,000 माइनस किया जाएगा और 6,000 डिवाइड बाय रूट 20 किया जाएगा. 6,000 से तो 6,000 कट जाएगा और रूट 20 होगा 4.47. बच्चों ये टेबल में मिलेगा ही नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही होता है. ठीक है, ओके जी. फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देंगे प्लीज सारे के सारे बच्चे. क्या कह रहा है फिफ्थ में, देखिए फिफ्थ में कह रहा है बच्चों,
Assuming the average number of seats win by an election committee is 250, a sample of 100 item is selected. Reject the null hypothesis if and only if sample mean is greater than 251.96 or less than 248.04. Assuming the population standard deviation is 10, find the probability of type 1 error. अब इसमें reject कब हो रहा है, greater में भी और less में भी. कौन सा टेस्ट हुआ ये? टू टेल टेस्ट. ठीक है बच्चों, सो दिस इज अ टू टेल टेस्ट बच्चों, बिकॉज हम लोग रिजेक्ट जो कर रहे हैं वो ग्रेटर में भी कर रहे हैं और लेस में भी कर रहे हैं, वो टू टेल में पॉसिबल है. एच नॉट में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ. एच नॉट में म्यू की वैल्यू जो है वो है 250, ऑल्टरनेटिव में म्यू नॉट इक्वल टू 250. 100 का आइटम उठाया, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, डायग्राम बनाया जाए 250, सिमेट्रिकल लग रहा है बिकॉज आगे और पीछे सेम जा रहा है, 251.96 एंड 248.04, ठीक है. प्रोबेबिलिटी निकालनी है या तो सैंपल मीन ग्रेटर देन 251.96 प्लस प्रोबेबिलिटी, एक बार लिख लेते हैं, गिवन दैट म्यू इज 250 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन 248.04 गिवन दैट म्यू इज 250. यही होगा बच्चों अल्फा, ये होगी, ठीक है, इजी है बच्चों. गाइस इसको जेड बना लूं, 251.96 माइनस में 250 अपॉन में सिग्मा बाय रूट एन, 10 अपॉन रूट 100 प्लस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन 251.96 माइनस 250 अपॉन में 10 बाय रूट 100 प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन 1.96 एंड प्रोबेबिलिटी जेड, एक सेकेंड बच्चों, दिस इज 248, क्षमा दीजिएगा, एंड दिस इज जेड लेस देन माइनस 1.96. बच्चों याद करो एरिया ये 0.025 होता है, ये भी 0.025 होता है, सो 2.5% आ जाएगा, सॉरी 5% आ जाएगा, ठीक है बच्चों. मैंने लेफ्ट टेल का एक भी क्वेश्चन आपके साथ नहीं किया, बट इट डजेंट मीन आप ना कर पाएं, आप भी कर लेंगे आराम से, ठीक है, कृपया इसको लिख लीजिए, ठीक है. देन विल मूव टू दी टाइप टू एरर, टाइप वन एरर भी कंबाइंड ही होगा इसमें, पहले आप इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास टाइप टू एरर, इसकी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं बीटा, एंड दैट मींस एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज false, accepting H not when it is false. अब देखो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा देखिए आपको, सुनो. मान लो ये H not है, mu 60 है, alternative है mu greater than 60 है, ठीक है, डायग्राम बनाया 60, लेट अस सपोज ये अल्फा है, फाइन. अब बात आती है प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 80 रिजेक्शन गिवन दैट म्यू इज ट्रू, एच नॉट इज ट्रू इज अल्फा. अब टाइप टू एरर है एक्सेप्टिंग एच नॉट, एच नॉट एक्सेप्ट कब होगा, जब एक्स बार लेस देन 80 होगा, बट यहां से लेके यहां तक का एरिया इज नॉट बीटा. देखो प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन 80 मींस एक्सेप्टिंग एच नॉट और डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट. एक्सेप्टिंग एच नॉट मतलब मैंने मान लिया जो सैंपल मीन 80 से कम होंगे
वो ये बता देंगे कि म्यू की वैल्यू 60 होगी। फाइन, चलो जी, बट बाद में पता लगा म्यू 60 नहीं है, गिवन दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 60, दिस इज बीटा। यार अगर आप कहते हो एक्स बार 80 से छोटा, गिवन दैट म्यू इज 60, म्यू इज इक्वल टू 60, तो एरर कैसा? 80 से कम पे ये बता दिया म्यू की वैल्यू 60 होगी और एक्चुअली में म्यू 60 ही आ गया, तो कोई एरर है क्या? जो सैंपल मीन 80 से छोटे होंगे, 70, 71, 64, 61, जो भी, वट एवर इट इज, 54, 53, जो भी, वो ये कहते हैं कि म्यू की वैल्यू 60 होगी और एक्चुअली में म्यू 60 आ गया, तो एरर थोड़ी है। एरर तब होगा जो सैंपल मीन 80 से कम पे ये कहते हैं कि म्यू 60 होगा बट एक्चुअली में म्यू 60 नहीं आया, तो एरर है, विच इज कॉल्ड टाइप टू एरर। ओके बच्चों, क्लियर ना? फाइन, तरह चिल्ला रहा हूँ लग रहा है, सॉरी, ठीक है, ओके। देखिए गाइस, सो अब ये प्रोबेबिलिटी म्यू 60 लेके नहीं निकालेंगे, तो फिर म्यू क्या लेके निकालें भाई? लेट अस सपोज दिस प्रोबेबिलिटी इज, सॉरी, दिस प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ म्यू इज 85, लेट अस सपोज। अब बच्चे बोलेंगे 85 कहाँ से आ गया? ये तुम्हें दे रखा हो, ये तुम्हें गिवन होगा, ठीक है बच्चों? सो अब म्यू अगर 85 है तो 60 था म्यू, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीक 60 था, अब 85 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीक 85 होना चाहिए, ऐसा? तो बच्चों जो ये एरिया ना, ये टाइप टू एरर है, एक्सेप्टिंग एच नॉट मतलब 80 से कम, गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स, यानी एच नॉट में म्यू 60 ना होके 85 होगा, ठीक है? एंड दिस एरिया इज, तो दिस इज टाइप वन एंड दिस इज टाइप टू। अभी मुझे पता तुम सबके दिमाग में चल रहा होगा 85 कहां से आ गया? यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सुनो, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया जिसमें मैं ये लेके चला, आप लोगों ने एक हाइपोथेसिस बनाया जिसमें एच नॉट में आपने म्यू में 85 लिया, मैंने बोला जो एक्स बार 80 से कम होंगे वो इसको सपोर्ट करेंगे, तो मैंने बोला जो 80 से कम आया आई विल से म्यू 60, बट अगर म्यू 60 ना होके म्यू तुम्हारा वाला ट्रू हो गया तो मैंने सैम्पल मीन की वैल्यू 80 से कम पे बोल दिया म्यू 60, बट एक्चुअली में म्यू 85 आ गया, तो मेरी गलती है ना? तो म्यू 85 मुझे कैसे पता लगा? मैंने सोचा यार मैं एक्स बार लेस देन 80 पे म्यू को 60 मान रहा हूँ, बट एक्स बार लेस देन 80 पे अगर तुम्हारा हाइपोथेसिस ट्रू हो गया तो मैंने जो म्यू 60 माना था वो गलती है ना, तो मैं तुम्हारा जो म्यू 85 मान के चल रहा हूँ अगर वो ट्रू हो गया तो। इस तरीके से टाइप टू एरर निकाला जाता है। टाइप टू एरर निकालने के लिए 85 रियल सिनारियो वाला म्यू नहीं होगा, आसपास वाले से ले लिया म्यू, और रियल सिनारियो वाला म्यू भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी होगी म्यू कुछ और लिया जाएगा और वो म्यू हमेशा आपको दे रखा होगा, हमेशा, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये लाइन जा रही है एक, लेट मी टेक सम अदर कलर, ठीक है? टाइप वन टाइप टू। अच्छा, दोनों एरर को, एक को मिनिमाइज करने जाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। देखो, टाइप वन एरर को कम करना है तो मैं ये 80 वाली बाउंडेशन को थोड़ा आगे रखना चाहता हूँ तो टाइप टू बढ़ जाएगा। टाइप टू को कम कर रहा है तो इस वाली बाउंडेशन को इधर रखना चाहता हूँ, थोड़ा कम करना चाहता हूँ 80 से, तो टाइप वन बढ़ जाएगा। सो प्लीज डू राइट दैट लाइन दैट बोथ द एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों एरर साइमल्टेनियसली कभी भी मिनिमाइज नहीं हो सकते। एक को बढ़ाने जाएंगे, एक को कम करने जाएंगे, दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है? सो
हम करते क्या हैं फिर, हम टाइप वन को फिक्स रखते हैं, हम टाइप टू को कम करते हैं। टाइप टू को कम कैसे करेंगे सोचो, टाइप वन को उतना ही रख के टाइप टू को कम कैसे किया जाएगा? टाइप टू को कम ऐसे किया जाएगा कि जब आप टाइप टू में जो म्यू लोगे 85 पे इतना आ रहा है, हो सकता है मैं किसी थर्ड पार्टी का म्यू लेके करूं, आप लोगों का नहीं, उस थर्ड पार्टी ने म्यू 90 माना था, तो हो सकता है 90 हो जाए, तो ये डायग्राम थोड़ा आगे खिसक जाएगा। म्यू 90 होगा तो अब ऐसा बनेगा ना, सो इसका मतलब टाइप टू कम हो जाएगा, ये डायग्राम थोड़ा इधर खिसक जाएगा ऐसे, सो टाइप टू एरर कम हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। टाइप टू एरर में जिस म्यू से कंपैरिजन करना होता है वो म्यू पेपर में दे रखा होगा, रियल लाइफ सिनारियो में टाइप टू एरर निकालना है तो अपने म्यू से नहीं निकालना, सामने वाले ने कोई जो नल माना हुआ उससे निकालना है, और टाइप टू कम करना है तो दूसरे वाले का नल उठा लो, तीसरे वाले का नल उठा, नल मतलब नल हाइपोथेसिस, ठीक है ओके। चलिए जी, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन इट, मजा आएगा देखिए बच्चों उसके क्वेश्चन करके आप, ओके देखिए जरा, टाइप वन टाइप टू एरर ऑलमोस्ट साथ साथ ही करेंगे हम लोग, देखिए जी। सो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, सुनो, सपोज दैट वी आर हैविंग अ सैंपल n equal to 16 from a normal population where sigma is 8 and we need to find out the probability of type 2 error. Type 2 error कह रहा है accepting h naught when mu 76 at alpha is 5% where the null hypothesis h naught is mu बराबर 75 and against the alternative hypothesis mu not equal to 75 and the power of test is as पावर ऑफ टेस्ट एज वेल। बच्चों पावर ऑफ टेस्ट को हम लोग बोलते हैं 1 - बीटा। मैंने अभी जो तुम डायग्राम बताया ना, ये तो टाइप वन को फिक्स रखा, पावर ऑफ टेस्ट जितना बढ़ेगा उतना बीटा कम होता जाएगा। पावर ऑफ टेस्ट कैसे बढ़ेगा, किसका लॉस, 1 - बीटा, ये बीटा है, ये 1 - बीटा है, थोड़ा सा इधर खिसकेगा बीटा कम हो जाएगा, 1 - बीटा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है देखो जी, 6 क्वेश्चन में एच नॉट में म्यू 75 है, ऑल्टरनेटिव में म्यू नॉट इक्वल टू 75। सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुम्हें अल्फा दे रखा है, अल्फा एक साइड नहीं बटेगा, दोनों साइड बटेगा, कितना कितना 0.025 0.025, क्लियर, याद करो ये -1.96 होता है, ये +1.96 होता है, इससे आप ये एक्स बार वन और एक्स बार टू निकाल सकते हो क्या क्या होंगे, फाइन। सो -1.9 इज एक्स बार वन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा दे रखा है बच्चों, सिग्मा है जी 8 और एन है 16, ठीक है -1.96 एक्स बार 1 -75 4 2 हो जाएगा, ये एक्स बार 1 आ जाएगा 75 -2 इंटू 1.96, लेट मी कैलकुलेट दिस, 75 -2 इंटू 1.96 71.08 प्लस 1.96 एक्स बार 2 -75 8 बाय रूट 16 1.96 एक्स बार 2 -75 1.96 इंटू 2 दैट इज 78.92, ठीक है 78.92, सो 71.08 एंड 78.92,
ठीक है बच्चों. सो कैन आई से एक्स बार टू से बड़े पे और एक्स बार वन से छोटे पे रिजेक्शन होगी. सो एक्सेप्टेंस कहाँ होगी बताना. एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट कहाँ होगी. बीटा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अगर सैंपल मीन इन दोनों के बीच में लाई करेगा गिवन दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 75. बोलो यही तो एक्सेप्टेंस होगा. यानी 71.08 लेस देन एक्स बार लेस देन 78.92 गिवन दैट म्यू इज नॉट 75 देन व्हाट कुड बी द म्यू. 76 गिवन इन द क्वेश्चन गाइस. निकाल लो आराम से प्रोबेबिलिटी. माइनस 76 अपॉन में 2 कर दूं 8 बाय रूट 16 जेड अपॉन में 2. 71.08 माइनस 76 डिवाइड बाय 2 माइनस 2.46. माइनस 76 डिवाइड बाय 2 1.46. ठीक है ना. दीज आर दी वैल्यूज. एक बारी मैं कैलकुलेशन दोबारा चेक कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों सही मान. ठीक है ये वैल्यूज टेबल से देख लेते हैं एक बारी. अच्छा जो डायग्राम 76 को लेके बनेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा. इसी बनाना चाहो तो इसी बना लो आपकी मर्जी. फाइन 76 को लेके ओके. डायग्राम तो 76 बनेगा ना. हाइट 76 लेके जाएगी ना. ये हो गया दिस प्लस दिस इज टाइप टू एरर. वैल्यू देखते हैं बच्चों. पहला है 1.46 से पीछे का एरिया 1.46 से पीछे का एरिया इज 0.92785 माइनस 2.46 से माइनस 2.46 से पीछे का एरिया पॉइंट 00695. तो 0.92785 माइनस 0.2785 माइनस 0.00695 0.9209. बच्चों दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर 0.9209. And what is the power of test? 1 minus beta. ठीक है बच्चों लिख लीजिए आराम से प्लीज. इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे सवार होने वाले हैं. क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहे हैं. Suppose that we are having a random sample of 36 from a normal population where sigma is 21 and the null hypothesis H0 mu 50 against the alternative hypothesis mu less than 50.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर एक्सेप्ट एच नॉट गिवन दैट म्यू इज 43 एट अल्फा 5% एंड द पावर ऑफ टेस्ट। चलिए जी देखते हैं बच्चों। बच्चों एच नॉट में म्यू की वैल्यू जो है वो ली गई है 50। ऑल्टरनेटिव म्यू लेस देन 50। लेफ्ट टिल्ट इसका क्वेश्चन आ गया बच्चों। बता नहीं रखा कितने से कम पे रिजेक्ट करेंगे, बट ये बता रखा है कि ये 5% है। फाइन, तो ये कॉर्नर लिमिट निकाल सकते हैं। याद करो ये होता है -1.645। सो -1.645 एक्स बार 1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। सिग्मा जो है वो है 21 और एन जो है वो है 36। सो 21 डिवाइड बाय 6 3.5 इंटू 1.645 माइनस का हो जाएगा 44.24। तो रिजेक्ट कब करेंगे 44.24 पे और एक्सेप्ट कब करेंगे ग्रेटर देन पे। सो बीटा इज प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 44.24 गिवन दैट म्यू इज नॉट 50। इफ म्यू इज नॉट 50 देन व्हाट कुड बी दी म्यू, दे रखा है जी। बच्चों याद करो ना यार, इससे पीछे का रिजेक्शन है तो इससे आगे का एक्सेप्टेंस है। सो प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज ग्रेटर देन 44.24 माइनस 50 नॉट 50 आई एम सॉरी म्यू दे रखा है 43। इसको जेड लिख रहा हूं बच्चों, माइनस 43 टाइप टू एरर आ गया, निकाल ले। 44.24 माइनस 43 इंटू 6 डिवाइड बाय 21 0.354। ठीक है, देख ले टेबल से। ठीक है बच्चों। अच्छा डायग्राम बनाना 43 का, तो 43 के लिए ये बन जाएगा, ये हो जाएगा टाइप टू एरर, इतना एरिया 43 यहां लाई करेगा ना बच्चों। फाइन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आठ देखें बच्चों क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आठ में Suppose that manufacturer of a new medicine company wants to test the null hypothesis theta is 0.90 against the alternative hypothesis theta is 0.6. His test statistic is x the observed number of success in 20 trial and will accept the null hypothesis if x is greater than 14 or otherwise reject kar dega. Type 1 bhi nikalna hai ji, type 2 bhi nikalna hai ji. Dekhte hain bachcho kaise nikalte hain. Okay. So mujhe एच नॉट में अब म्यू ना होके थीटा दे रखा है 0.90 और ऑल्टरनेटिव में थीटा दे रखा है 0.60, मतलब नॉट इक्वल टू 0.90। ये बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम नहीं बनना। इसमें सिंपली बोला है 20 ट्रायल उठाए, फाइन, और बोला गया रिजेक्ट तब एक्सेप्ट तब करेंगे जब ग्रेटर देन 14 होगा, अदरवाइज रिजेक्ट। सो बीटा निकाल लें पहले,
एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स. व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एच नॉट? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 14, गिवन दैट थीटा इज नॉट 0.90, देन व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू 0.60. बच्चों बाइनोमियल से सॉल्व कर लोगे, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 14 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 15 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 16 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 20. बच्चों दिस इज 20 सी 0, 0.900, 0.620, 20 सी 1, सॉरी थीटा 0.6 है ना, 0.6, 20 सी 14, 0.614, 0.46, 20 सी 15, 0.6, 15.45, एंड लास्ट 20 सी 20, 0.6, 20, 0.40. कैलकुलेशन का काम आप लोगों का है जो तुम लोग नहीं करोगे, मुझे पता है, प्लीज़ कर लेना यार. अल्फा क्या होगा? रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू. ठीक है, सो नाउ रिजेक्ट कब होगा? लेस देन 14 पे. ठीक है, गिवन दैट इट इज ट्रू थीटा इज 0.90. लेस देन को लिख सकते हैं 1 माइनस ग्रेटर देन. अरे भाई बचेंगे वरना बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी. सब कुछ वैसे करना है, या थीटा 0.6 लिया या 0.9 लेके निकालना. वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों, लिख लीजिए प्लीज इसको. ओके बच्चों, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्लीज. क्वेश्चन 9 में सपोज दैट वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा स्क्वायर इज 1 इज म्यू नॉट अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज म्यू 1 वेयर म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन के, प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल रीजन साइज अल्फा इज 0.05 फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन. एच नॉट में म्यू दे रखा है म्यू नॉट, ऑल्टरनेटिव में म्यू दे रखा है म्यू 1, और ये बताया हुआ है कि म्यू 1 म्यू नॉट से बड़ा है. ठीक है जी, हमारे पास साइज ऑफ टेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 0.05. ठीक है, और इट इज़ अ राइट टेल टेस्ट बिकॉज एक्स बार ग्रेटर देन के पे ही मुझे वैल्यू निकालनी है. सो ये के ले लो आप लोग, फाइन. आप लोग बच्चों प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन के अगर लेके चलोगे, ठीक है, तो वो आपके पास आएगी एक के से आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05. ठीक है, इसको जेड लिख लो, इसको के माइनस म्यू अपॉन, बिकॉज इसमें तो वही वाला म्यू आएगा ना जो नल में होता है म्यू नॉट, अपॉन सिग्मा बाय रूट एन. सिग्मा इज 1 और एन इज एन. आपको पता है ये जेड होता है और 0.05 पे ये वैल्यू होती है 1.96. सो के माइनस म्यू नॉट अपॉन में 1 बाय रूट एन 1.96. सो फाइनल आंसर वुड बी के इज नथिंग बट म्यू नॉट 1.96 बाय रूट एन. बच्चों एक वैल्यू ठीक कर लो, सॉरी दिस इज 1.645. ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, ये टाइप 1 टाइप 2 एरर, मतलब इसमें टाइप 1 एरर दे रखा था, ये के निकालना था इन टर्म्स ऑफ एन आ गया, एन दे देगा तो के भी आ जाएगा. ठीक है,
आगे देखते हैं जी, आगे कह रहे हैं लेट एक्स वन एंड एक्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ सिग्मा स्क्वायर वन. इफ नल हाइपोथेसिस इज म्यू इक्वल टू म्यू नॉट टू बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू वन विच इज ग्रेटर देन म्यू नॉट व्हेन एक्स बार इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस वन व्हाट इज द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन. ठीक है, देखिए बच्चों जरा ध्यान से. ओके, टेंथ क्वेश्चन में एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग थी वो मैंने ठीक किया अभी. ठीक है, रिजेक्शन तब हो रही है जब एक्स नॉट एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस वन. ठीक है, सो नाउ टेंथ क्वेश्चन में एच नॉट में म्यू बराबर म्यू नॉट है, ऑल्टरनेटिव में म्यू बराबर म्यू वन है जो कि म्यू नॉट से बड़ा है. तो अगर आपको समझ में आए तो ये राइट टेल टेस्ट भी बोल सकते हैं, म्यू म्यू वन से बड़ा है, राइट टेल टेस्ट भी बोल सकते. कह रहे रिजेक्ट तब कर रहे हैं, रिजेक्ट कब कर रहे हैं जब एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस वन. ये म्यू नॉट हो गया, ये म्यू नॉट प्लस वन हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, टाइप वन एरर क्रिटिकल रीजन. कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस वन गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. कैसे करेंगे बच्चों, एक्स बार में से म्यू नॉट घटाएंगे सिग्मा बाय रूट एन. सिग्मा कितना है, सिग्मा वन है, एन टू है क्योंकि दो सैंपल उठाए हैं. ये जेड हो जाएगा, ये 1.4141 हो जाएगा. टेबल से चेक कर लीजिए वैल्यू, 0.079 अप्रॉक्सीमेटली 0.08. ठीक है बच्चों, ओके. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टाइप वन एंड टाइप टू एरर. आई हैव डन इनफ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट. ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आई बिलीव. ठीक है, अगर आपने हाइपोथेसिस पुराना वाला याद रखा होगा तो. ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टाइप वन एंड टाइप टू एरर. थैंक यू सो मच.